धर्म नगरी हरिद्वार में हुए मासूम बिटिया के साथ रेप व उसके बाद मासूम बिटिया की हत्या के चर्चित हत्याकांड में पुलिस को फरार अभियुक्त राजीव यादव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस टीम ने डीजीपी नीरू गर्ग के निर्देशों पर और सीओ मंगलोर अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में फरार अभियुक्त राजीव को यूपी के सुल्तानपुर जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस की 10 अलग अलग टीमों द्वारा फरार आरोपी की तलाश में 5 राज्यों के 5-5 जिलों के साथ 300 होटल में दबिश दी गई थी। करीब 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस के हाथ यह सफलता लगी है। वहीं हरिद्वार पुलिस के ऊपर फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने का भारी दबाव था। अब अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है। सैथिल अबुदई एसएसपी, परिजनों का कहना है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए और साथ ही उनका एनकाउंटर कर दे, पुलिस तभी हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। तो भाई पुलिस से पूरी न्याय की उम्मीद करते हैं और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई है, उसको किडनैप किया, उसको रेप किया, उसका मर्डर किया। दोनों गवाह हमारे साथ मौजूद थे। पुलिस की गिरफ्त से दोनों गवाह, एक को हमने पकड़वाया, एक हमारे हाथ पुलिस की मतलब बिल्कुल गिरफ्त से फरार हो गया। तो मैं चाहती हूँ इसकी बिल्कुल अच्छे से इंक्वायरी हो और हमें न्याय मिले। पुलिस का काम है ना, आरोपी है, वो दोनों पकड़वा दिए हैं, अब सारी इंक्वायरी करना पुलिस का काम है। ठीक है, अब ये तो पुलिस उनसे पूछेगी, पूछताछ करेगी और वो उगलवाएगी। बिल्कुल हो सकते हैं, जिस तरीके से बच्ची हमें मिली है, जिस अवस्था में हमने उसे बरामद किया, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत लोग शामिल है। इनको फांसी मिलनी चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, इनको बिल्कुल उसी तरह से मार देना चाहिए जिस तरह से हमारे बच्चे को मार दिया गया। मीनू परिजन, हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट।